युवा जागरण मंच के तत्वाधान में संयोजक विपुल शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पत्थर ई टेंडरिंग खदान में मानक के विपरीत हो रहे अवैध तरीके से मशीन का प्रयोग करके अवैध खनन किया जा रहा है। आज मंच के कार्यकर्ताओं ने खनन अधिकारी के राय का पुतला दहन किया। वहीं संयोजक विपुल शुक्ला ने कहा कि ई टेंडरिंग में मानक के विपरीत खनन किया जा रहा है और मजदूरों का हक मारकर प्रतिबंधित मशीनों का प्रयोग करके दिन और रात मशीनों द्वारा लोडिंग कराई जा रही है, जिससे मजदूरों को रोजगार नहीं प्राप्त हो पा रहा है। जहां एक तरफ शाम 6 बजे तक ही कार्य करने का आदेश है, वहीं इसके विपरीत सारे दिन और रात अवैध खनन ओवरलोडिंग का खेल जोरों शोरों पर चल रहा है। यदि तत्काल प्रभाव से ई टेंडरिंग में मानव के रूप कार्य नहीं चलाया गया, वह मशीनों का प्रयोग बंद नहीं किया गया, तो हम सभी युवा जागरण मंच के पदाधिकारी कार्यकर्ता आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। वहीं मंच के महामंत्री शिवम सिन्हा बागी ने कहा कि खनन अधिकारी के राय को बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी अवैध खनन शोर ऊपर है। राजेश कुमार, तारकेश्वर प्रसाद, अराजी संख्या 78 75 78 76 78 66 78 67 पूरी रात 10x10 मशीन लगाकर बहुत बड़े पैमाने पर रात भर अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे मूल मजदूर पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। इसको हमारा युवा जागरण मंच कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। खबर जगत 24 न्यूज सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट।